उत्तराखंड के नैनीताल में एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन ने रोपवे से रेस्क्यू का संयुक्त मॉकड्रिल अभ्यास किया। अभ्यास में एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, फायर मेडिकल की टीमों ने भी हिस्सा लिया। बता दें, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की पहल पर रोपवे में संयुक्त मॉकड्रिल अभ्यास चलाया गया। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट आरएस धपोला ने बताया कि इस मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकाल और आपदा जैसे हालातों में रोपवे के बाधित होने की स्थिति में ट्रॉली में फंसे यात्रियों की मदद करना है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। पैसेंजर से होते हैं, हमको एक मॉकड्रिल के तहत फोन आया कि एसडीआरएफ के द्वारा और आपदा कंट्रोल रूम से मैसेज मिला है कि यहाँ पर केबल कार जो है स्टक हो गई है। उसके सिलसिले में हमने रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पर आने पर पता चला कि केबल कार में दो पैसेंजर्स केबल कार में स्टक हो गए हैं। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, यूपीसीएल के, मेडिकल के, आपदा के और फायर और पुलिस डिपार्टमेंट के, सब ने अपना अपना रोल अदा किया। सुरक्षित मॉकड्रिल करते हुए दो विक्टिम्स को नीचे जो है वर्टिकली एडवोकेट किया गया। तो इसका ये मेन मोटिव ये है कि आम जनता और जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है उनके दिलों में अगर कोई इस प्रकार की घटना कभी घटती है तो हम उनके साथ सदैव हैं और तत्पर हैं, और सुरक्षित तरीके से ये आज मॉकड्रिल की गई, इसमें सुरक्षित निकाला गया ताकि समय पड़ने पर इस प्रकार की कार्रवाई में कोई दिक्कत ना हो।